ये आपके इंडियन राइटर्स, ये है आपका मंजू कपूर, जयंत महापात्रा और कमला दास, तीन है हमारे पास। बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्विज नहीं दिया है मैंने, क्विज नहीं दिया है, मैं अभी याद करा दूंगी। पहले मंजू कपूर करके वीडियो बंद कर दो, अलग अलग ही करो, एग्जाम टाइम में तुम देख सको अलग अलग, बहुत दिक्कत होगी नहीं। और मंजू कपूर सबसे पहले, मंजू कपूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही है। फर्स्ट नॉवल इनका डिफिकल्ट डॉटर्स, इसे कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला कौन सी श्रेणी में? मतलब कई ऐसे राइटर्स होते हैं जिनका तीसरा चौथा नॉवल, कंपटीशन जब होता है ना, तो एक तो ये होता है कि सारे नॉवल्स में से बेस्ट कौन सा है, और एक होता है ये सारे राइटर्स जिन्होंने की फर्स्ट बुक, उनकी सबकी फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट बुक में कौन से राइटर की फर्स्ट बुक बेस्ट है। तुमने भी सबसे पहले कोई लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, मैंने लिखा होगा, हम सबकी जो पहली किताब है, तो हम सबकी पहली किताबों को नंबर दिए जाएंगे, और उसमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो जीत गया। तो फर्स्ट बुक वाली श्रेणी में, रटो मत, याद मत करो, समझ लो, मंजू कपूर का डिफिकल्ट डॉटर्स सबसे पहली वाली किताब, डिफिकल्ट डॉटर्स है ना, ये उस वाले कैटेगरी में ये जीती है। उसकी बाकी रचनाएं हैं अ मैरिड वुमन, होम, द इमिग्रेंट, इसको भी एक प्राइज मिला है इमिग्रेंट को, कस्टडी, ब्रदर्स, शेपिंग द वर्ल्ड। सारे ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, एक और रीडिंग कल लगा लो, एक रीडिंग सैटरडे को लगवा लो, इनफ, इन सबको याद करने मत बैठो, कोई क्विज एक बार देख लो, करफेक्ट, एक बार आप तुम लोग घर जाके एक रीडिंग लगाओ। कल मैं यहाँ रीडिंग लगवाऊंगी, सैटरडे को मैं फिर रीडिंग लगवाऊंगी, है ना, और एक रीडिंग मैं 22 को लगवाऊंगी, जिसमें बहुत है, तो 22 को एग्जाम देके फिर घर जाने की जल्दी मत बचाना, जो बजेंगे उस दिन वो बजेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को कह दो आके ले जाएंगे अगर लेट हो गए, क्योंकि नहीं कर पाओगे तुम, अपने लेवल पे तुमसे हैंडल नहीं होगा, इतना वास्ट कोर्स है कैसे करोगे। तो मैं उतना सा देख लूंगी, डिवाइड कर लेंगे लिटरेचर, डिवाइड कर लेंगे ग्रामर, तब तक मैं तुम्हारा कोशिश करूंगी टाइप पेपर बनाने की, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट ये सारे और जगहों के भी लेके अपन मिला मिलो के कर लेंगे, तो वो हम कर सकते हैं ना, तो मेरे को भी लगेगा कि तुम लोगों ने तैयारी की। विच ऑफ द वर्क्स ऑफ मंजू कपूर हैज द सबटाइटल विमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स? देखो रचना का नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि सबटाइटल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो शेपिंग द वर्ल्ड। विच ऑफ द वर्क्स ऑफ मंजू कपूर हैज द सबटाइटल विमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स? अब तो देखो शेपिंग द वर्ल्ड को देखकर आइडिया नहीं लगा पाओगे कि विमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स इसका सबटाइटल हो सकता है ना, तो ये आपका आंसर है शेपिंग द वर्ल्ड, मतलब कैसे महिला लेखिकाएं जो है एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, शेपिंग द वर्ल्ड। विच वर्क ऑफ मंजू कपूर वॉज शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्ट हुआ, प्राइज नहीं मिला, फॉर द DSC प्राइज फॉर एशियन लिटरेचर द इमिग्रेंट? ये याद रखो, एक तो डिफिकल्ट डॉटर्स को प्राइज मिला है कॉमनवेल्थ प्राइज, और ये इमिग्रेंट को मिला है, इज इट क्लियर? हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स? वीरमती, वीरमती, और वीरमती की बेटी फ्लैशबैक में गाने सुना रही है, वीरमती की बेटी और वीरमती की बनी नहीं, बेटी अपनी माँ को कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरी माँ ऐसी क्यों है, कैसी है मेरी माँ, उसको हमेशा शिकायत रही, पर वीरमती के मरने के बाद वो उसकी लाइफ को रिव्यू करती है एक तरीके से, तो वीरमती प्रोटैगनिस्ट है जिसकी कहानी उसकी बेटी सुनाएगी। वीरमती इज इन एन इलिसिट रिलेशनशिप विद अ प्रोफेसर, वीरमती की शादी हो गई है, हस्बैंड है, पर उसका एक प्रोफेसर के साथ
एक रिलेशनशिप है. द प्रोफेसर्स वाइफ इज गंगा. वीरमती की शादी हो गई है. दिस इज डाउटफुल, आई एम नॉट वेरी श्योर. वीरमती एक प्रोफेसर के साथ उलझी हुई है. प्रोफेसर की गंगा नाम की पत्नी है वीरमती. वेदर शी इज मैरिड फर्स्ट, ये डाउटफुल है. ये है कि मैरिड आदमी से इसका चक्कर चल रहा है. और फिर द नेम ऑफ वीरमती's डॉटर इज आइडा. द स्टोरी इज टोल्ड इन फ्लैशबैक. मेरे ख्याल से इसकी शादी नहीं हुई है पहले, क्योंकि ये प्रोफेसर से चुपचाप शादी कर लेती है, फिर वो ओपन हो जाता है, वो सारा कुछ होता है. ये हमारा फर्स्ट है. अब इसके ऊपर तुम्हें क्या क्या जानना पड़ेगा, सुन लो भाई. आइडा उसकी बेटी है ना. वीरमती वो प्रोटैगनिस्ट है. प्रोफेसर के साथ उसका रिलेशनशिप है. प्रोफेसर की वाइफ का नाम गंगा है. ये चार चीजें जान लो. एंड वुमन वाले थीम के ऊपर ये नॉवल है. दिस मच इज इनफ फॉर यू. बंद कर दो फिर.